हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एट मिक्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमें जो नया डॉग है उसको किस तरह से खाना देना चाहिए, कितने टाइम देना चाहिए, हमने न्यू पपी लाया उसको कितना टाइम देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में पपी और डॉग, एडल्ट डॉग के बारे में बताने वाला हूँ, और आपका डॉग जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज का हो गया तो उसको किस तरह से खाना देना चाहिए, तो वो भी आपको बताने वाला हो। तो फिलहाल एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो ज़रूर से आप लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, जिन लोगों ने भी बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज़ ऑन ज़रूर से कीजिएगा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम पपी की। जैसे कि आपका पपी जो है अच्छे से 3 या 4 मंथ का हो जाता है, तो उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से खाना किस तरह से आपको स्टार्ट करना है। आपको जो है, आप 3 से 4 टाइम पहले ही आप जो है उसको खाना देते हो, तो उसकी जगह पे आपके उसके बॉडी का वेट आपको जान लेना है पहले कि किस तरह से कितना वेट है उसका। अगर नॉर्मल अच्छा खासा वेट है, उसकी बॉडी अच्छी हेल्दी है, फिट है, तो आपको क्या करना है कि उसका खाने का टाइम 3 टाइम करना है। जैसे कि मॉर्निंग में आप 10 या 11 बजे के आसपास दे सकते हो, दोपहर में आप 3:30 या 4 के आसपास उसको फिर से भूख लगेगी उस टाइम दे सकते हो, उसके बाद जो है रात को आप 8 या 8:30 बजे के आसपास भी दे सकते हो। अगर आपके डॉग की हेल्थ अच्छी खासी नहीं है, उसको प्रॉपर तरीका का खाना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला खाना चाहिए, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, सुबह आप मॉर्निंग में 8 बजे या 9 बजे के आसपास उसको कुछ अच्छा जो ट्रीट होती है, जो बिस्किट्स होते हैं या फिर डॉग के हेल्थ के लिए आते हैं, वो आप उसको खाने को दे सकते हैं। उसके बाद 12:30 या फिर 11:30 के बीच में आप उसको खाना दीजिएगा। उसके बाद वापस से 4 या 5, 5:30 बजे अब ट्रीट या फिर कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ भी हो उसको खाने को दे सकते हैं। उसके बाद जो रात को खाना होता है वो 8:30 या फिर 9 बजे के आसपास आप उसे दे सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है डॉग को हेल्दी अच्छा बनाने के लिए और फिट बनाने के लिए। अगर आपके पपी का वेट अच्छा खासा नहीं हो तो अगर अच्छा हो तो आप 3 टाइम उसे दे सकते हैं। और जो भी डॉग की जैसे कि मेडिसिन या दवाई चल रही होती है, तो ध्यान रखना कि कभी भी खाने के अंदर ऐड मत कीजिएगा। अगर आप खाने के अंदर ऐड करते दवाई या फिर कुछ भी टैबलेट वगैरह, तो डॉग एक बार तो ज़बरदस्ती खा लेगा पर दूसरी बार वो खाना ही छोड़ देगा। तो ऐसे करते करते, ऐसे ही अभी समर का टाइम चालू हो रहा है तो वैसे डॉग कम खाते हैं, अगर आप ऐसे हरकत करोगे तो वो खाना भी छोड़ देगा। तो जो भी टैबलेट होता है, मेडिसिन होती है, वो ऐसे ही आप दीजिएगा उसको, जैसे कि आप चम्मच में दे सकते हैं या फिर आप टैबलेट है तो डायरेक्ट उसको मुँह के अंदर दे के उसको, या फिर 2 टुकड़ों में कट करके आप दे सकते हैं, तो उस तरह से दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर खाने के अंदर आप देते हो तो कड़वाहट के कारण वो खाना भी छोड़ देगा और आपकी डॉग की हेल्थ अच्छी खासी इंक्रीज़ नहीं होगी, और जो दवाई होती है वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो गाइस, अब बात करते हैं जैसे कि आपका डॉग 1 साल का है या 2 साल का है, 3 साल का है, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। देखो, जैसे कि 1 साल का आपका डॉग होते जा रहा है, उस टाइम आप 3 टाइम तक खाना उसको देते हैं, बट 1 साल के बाद वो प्रॉपर तरीके से अच्छे न्यूट्रिशन वाला खाना आप दे दे के उसको हेल्दी बॉडी हो जाती है, अच्छा खासा फिट हो जाता है, तो उसको आपको 2 टाइम खाने पर शिफ्ट कर देना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में 11:30 या 12 बजे के आसपास, या फिर आप थोड़ा सा लेट भी दे सकते हो 12:30 के आसपास। अभी जैसे कि समर चल रहा है तो थोड़ा जल्दी दो तो ज़्यादा बेटर रहे, और शाम को जैसे 8:30 या 9 बजे के आसपास दे सकते हैं, जैसे कि थोड़ी ठंडक बनी रहे उसके बाद। और कभी भी आप जैसे कि समर में दे रहे हो तो थोड़ा सा आप घर की ठंडी जगह हो वहाँ पे उसको खाना दे, तो वो जल्दी से खाना भी खा लेगा और उसको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो आप 2 टाइम दे सकते हैं, जैसे कि 2 या 3 साल का डॉग ब्रीड है तो उसको भी आप 2 टाइम दे सकते हैं। अगर उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसको कुछ न्यूट्रिशन वाला खाना, बिस्किट हो गया, ट्रीट हो गए, टॉयस वगैरह भी आप उसको ला के दे सकते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, वो खेलेगा तो उसको अच्छा खासा खा भी लेगा। अगर प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहा तो आप उसको दवाई भी करा सकते हैं चालू, जिसके कारण अच्छे से न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे और अच्छे से खाना भी खा ले, भूख बढ़ाने की दवाई भी आती है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसका डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम जरूर से कराए, जिसके कारण उसको कुछ हेल्थ इशू हो तो उसका भी आप चेकअप जरूर से करा लेना। और अब बात करते हैं जैसे कि आपका डॉग कभी थकता नहीं, जिसके कारण पानी नहीं पीता या फिर अच्छे से खाना नहीं खा रहा, तो आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। प्रॉपर आप एक एक्सरसाइज वॉकिंग पे उसको ले जा सकते हैं, जिसके कारण उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी कंज्यूम हो जाए, तो जिसके कारण वो अच्छे से खाना भी खाए, उसको भूख भी लगे। क्योंकि बहुत सारे डॉग ओनर क्या करते हैं, डॉग को थोड़ा वॉक करके लेके आते हैं, उसके कारण उसकी चर्बी होती है, जो अब डॉग का वेट होता है वो अच्छे से गेन हो जाता है, फिर वो काफ़ी ज़्यादा भद्दा सा लगता है, फिर वापस वो लूज़ करने के लिए वापस से मेहनत करते हैं। उससे से डॉग को मेंटेन पहले से आप रखिएगा, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज उस खाना उसको दीजिएगा। और गाइस, अब बात करते हैं जैसे कि आपके डॉग की एज काफ़ी ज़्यादा 10 साल है 12 साल है 9 साल है 8 साल है, तो उसके टाइम पे क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत हल्का खाना उनके शिफ्ट करना है धीरे धीरे, ज़्यादा उसको डाइजेस्ट जल्दी से हो इस तरह से खाना आपको देना है, ज़्यादा हार्ड खाना आपको नहीं देना, प्रॉपर तरीके से उनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो मेंटेन रहे उस तरह से खाना देना चाहिए। आप चाहे तो फिर आप 3 टाइम भी उसको दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिसके कारण अच्छे से खा ले और उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बने रहे, उनकी हेल्थ
अच्छी रहे। ऐसा नहीं आपको दो टाइम ही देना है, क्योंकि जो उनका डॉग जैसे जैसे एज होती है उस तरह से उसका डाइट आपको फॉलो करना है। और इस टाइम पे आप जितना हो सके उतना डॉक्टर की राय जरूर लीजिएगा, किस तरह से डाइट होना चाहिए किस तरह से नहीं। प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट जरूर से कराएं, चेकअप बॉडी चेकअप भी आप बार बार ज़रूर से कराएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके डॉग के अंदर जो भी कमी है या फिर कुछ उसको डिजीज या प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दूर हो जाए और आपका डॉग फिट और हेल्दी रहे। सो गाइस, ये छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि किस तरह से खाना देना चाहिए क्या देना चाहिए, आप मेरी डाइट वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।